एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी के मर्डर की गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने जिम्मेदारी ली है। मुंबई पुलिस को शुरू से ही इस मर्डर केस में लॉरेंस बिश्नोई का हाथ होने का शक था। चर्चा थी कि बाबा सिद्दीकी एक्टर सलमान खान के करीबी थे, इस वजह से लॉरेंस बिश्नोई ने उन्हें निशाना बनाया है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद अब सलमान खान की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। मुंबई में उनके घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया है। आखिर लॉरेंस बिश्नोई की सलमान खान से दुश्मनी है क्यों? आइए आपको ये कहानी सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। साल 1998 सितंबर का महीना बीतने को था। राजस्थान के जोधपुर में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग चल रही थी। सलमान खान से लेकर सैफ अली खान और तब्बू जैसे कलाकार जोधपुर में डेरा डाले हुए थे। जोधपुर के करीब 40 किलोमीटर दूर भवाद कस्बे के लोग इस शूटिंग में अनजान अपनी दैनिक दिनचर्या में व्यस्त थे। 27 और 28 सितंबर की रात भवाद के करीब कांकड़ी गांव में सफेद जिप्सी की रोशनी चमकी। गांव वालों ने फौरन अंदाजा लगा लिया कि शिकारी चिंकारा या काले हिरण की तलाश में है। जब तक वो कुछ कर पाते तब तक गोली चलने की आवाज आई। गांव वाले उस तरफ भागे जहां से आवाज आई थी। पास पहुंचे तो जिप्सी को तेजी से वहां से भागते देखा। कुछ नौजवानों ने जिप्सी का पीछा भी किया लेकिन वो भागने में कामयाब रहे। अगले दिन अखबारों में एक चश्मदीद के हवाले से इस घटना की खबर छपी। चश्मदीद ने दावा किया कि उस भागती हुई जिप्सी में बैठे सलमान खान को उसने पहचान लिया था। इसके बाद बवाल मच गया। मामले की छानबीन शुरू हुई तो वन विभाग की टीम घोड़ा फार्म पहुंच गई, जहां सलमान खान समेत हम साथ साथे के क्रू ठहरा हुआ था। वहां से ब्लैक बक या काला हिरण के अवशेष मिले। इसके बाद 2 अक्टूबर को बिश्नोई समाज ने इस मामले में सलमान खान के खिलाफ पहली FIR दर्ज कराई। फिर 4 और मामले दर्ज हुए। सलमान के अलावा सैफ अली खान, एक्ट्रेस सोनाली और तब्बू को भी आरोपी बनाया गया। सलमान खान की गिरफ्तारी हुई और उन्हें जेल जाना पड़ा। क्यों सलमान खान बिश्नोई समाज के हैं जानी दुश्मन? सलमान पर मुकदमे और जेल जाने के बावजूद बिश्नोई समाज के लोगों ने उन्हें माफ नहीं किया, तो आखिर बिश्नोई समाज के लिए काले हिरण का शिकार इतना परेशान करने वाला क्यों था? आइए इसको भी समझ लेते हैं। दरअसल बिश्नोई समाज की नींव गुरु जम्बेश्वर या जाम्बोजी महाराज ने रखी थी। उन्होंने अपने समाज के लिए 29 नियम बनाए जिसमें शुद्ध शाकाहार से लेकर पर्यावरण और पशु पक्षियों की रक्षा जैसे वचन शामिल है। गुरु जम्बेश्वर के बाद बिश्नोई समाज के लोगों ने 29 वचनों को अपने दिल से लगा कर रखा। जोधपुर, बीकानेर और उसके आसपास रहने वाले बिश्नोई समाज के लोग उस रेगिस्तानी इलाके में पाए जाने वाले काले हिरण के संरक्षण के लिए मशहूर हैं। एक तरीके से उनकी पूजा करते हैं। जब सलमान खान का नाम काले हिरण के शिकार में आया तो उन्हें बड़ा झटका लगा और आहत महसूस किया। बिश्नोई समाज ने सलमान खान से पूरे मामले पर समाज के सामने माफी मांगने की शर्त रखी। कहा कि वो बीकानेर के मुक्ति धाम मुकाम, जो बिश्नोई समाज का मुख्य मंदिर है, उस पर आकर समाज के बुजुर्गों के सामने अपनी गलती स्वीकार कर ले, तब उन्हें माफ करने पर विचार किया जा सकता है। तब सलमान ने ना तो माफी मांगी और ना ही बिश्नोई समाज ने उन्हें माफ किया। साल 2018 में पहली बार सलमान खान और ब्लैक बक केस में लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री हुई, जिसमें तब तक अपराध की दुनिया में ठीक ठाक नाम कमा लिया था। बिश्नोई समाज से आने वाले लॉरेंस बिश्नोई ने ऐलान किया कि काले हिरण के शिकार के लिए वो सलमान खान से बदला लेकर रहेंगे और उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। साल 2022 में सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में लॉरेंस का नाम, तब से वो जेल में बंद है लेकिन सलमान खान को नहीं भूला है। सलमान पर हमला करवा चुका है, उनके पिता सलीम खान को धमकी भी दे चुका है। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। तमाम ऐसी वीडियोस के लिए जरूर सब्सक्राइब करें न्यूज स्टेट बिहार झारखंड। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।